शुक्रतायिजिव्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगांश्चविष्टान् पुनरभिक्षिणोभाषिता पीत्वा सर्वान् विशेषान् सकृति मधुर मायया भोजयन्तो माया संख्यातुरीयं परमाकृतवशं ब्रह्मजत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेद में मांगलिक उपनिषद संप्रदायिक आचरण गौरवाय कुछ कार्य का मतलब इस मंत्र में छुपा हुआ कुछ तत्व है उसको उद्घाटन करने के लिए इस कार्य का बनाया गया। अभी हम लोग मांगलिक उपनिषद के द्वितीय प्रकरण प्रकरण करते हैं, इसका नाम है वैतथ्य प्रकरण। तो इसके पहले जगत की मिथ्या तो श्रुति वाक्य को सारे सिद्ध करके दिखाए, अब इसको हम युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब युक्ति मतलब अनुमान के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अनुमान करने के लिए पहले आपको दृष्टांत मतलब जो सभीवादी की मान्यता है इस प्रकार एक स्थान में ये वस्तु मिथ्या है ऐसा दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए जो जो हेतु आप देंगे वो हेतु जगत में भी यदि बैठ जाता है तो जगत भी मिथ्या होगा। इसलिए स्वप्न को दृष्टान्त बना है, विवादास्पद विमतम मिथ्या दृश्यत्वाद स्वप्नवाद विवादास्पद ये जगत पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है क्योंकि उसमें ग्राह्य ग्राहक भाव दृश्य दृष्टा भाव विद्यमान है ना, इसलिए जिस प्रकार स्वप्न में है इसलिए मिथ्या। तो स्वाप्निक मिथ्या को सिद्ध करने के लिए कई हेतु दिए थे, पहले दिए थे तो अनुचित देश अनुचित काल संवादी प्रमाण और किसी की सहमति के अभाव, फिर क्या अद्यंतवंत के कारण, और फिर क्या सब प्रयोजनीयता निभा नहीं पाती संस्कार जनित के सब कई हेतु को देकर के जैसा स्वप्न है वैसे जागृत होने मिलता है। हमारे वेदांत दृष्टि से गंगाजल और मरुभूमि के जल में कोई भिन्नता नहीं है, दूर एक ही कारण है, ऐसी बात नहीं है। गंगा जल से कोई जन्म सिद्ध होता है उससे तो व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। ये जो सब प्रयोजनता बोलते हैं व्यवहार सिद्ध होता है कब, व्यवहार जो सिद्ध होता है सारा व्यवहार जो है अज्ञान का समय। आप किसी भी व्यवहार के पीछे यदि आप हेतु देखेंगे किसी भी व्यवहार के पीछे, यहाँ तक कि जिस समय हम लोग पठन पठन चल रहे हैं इसके पीछे भी यदि आप हेतु देखेंगे, यदि इस समय यहाँ बैठ करके आपको कुछ सुख अथवा आनंद अथवा तृप्ति नहीं मिला होगा तब आप यहाँ नहीं बैठते। यानी कि सुख प्राप्ति की इच्छा से अथवा दुख परिहार की इच्छा से सारा व्यवहार होता है। खूब विचार करके देखिए दुख क्या क्या किसके लिए व्यवहार होता है, सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख परिहार की इसलिए व्यवहार होता है। अब जब आत्मा के सापेक्ष आत्मा में देखिए वो निरतिशय आनंद रूप है और वहाँ पे दुख की लेश मात्र भी नहीं है। अब उस स्थिति में बैठने वाले व्यक्ति से व्यवहार कैसे होता है, उसका तो व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस आत्मा के सापेक्ष में ये व्यवहार भी मिलता है, व्यवहार भी मिथ्या है। इसको निर्णय करने के लिए यहाँ पे कि बोलेंगे देखो जागृत काल के वस्तु हमें क्या होता है उसकी प्रत्यक्ष क्या होती है, जो हम लोग कल यहाँ पे बैठ करके पाठ कर रहे थे आज भी वही लोग आए हुए हैं, ये प्रत्यक्ष क्या होते हैं यानी कि उसके एक कालांतर में रहता है, और कुछ वस्तु एक चित्त काल होते हैं काम क्रोध लोभ मोह प्रेम आदि जो है ना वो चित्त काल में किसी संबंध बनाए वो केवल मन में रहता है बाहर नहीं दिखाई देता। आपने किसी ने मेरे को कहा कि ये पेन मेरे को दोगे हाँ ले जाओ, परंतु इस पेन के प्रति जो मेरा आसक्ति थी अथवा जो कुछ भी थी वो हम उसको नहीं दे सकते, हम उसको नहीं दे सकते, हमारे अंदर ही वो चित्त काल वाले वो भी मिथ्या है, और वो जो बाहरी वस्तु के प्रति हमारे सत्य बुद्धि बनी हुई है वो भी मिथ्या है। तो वहाँ पे आप बोल रहे हो कि इस वस्तु की प्रत्यभि क्या होती है, मतलब जिसको मैंने कल देखा उसको आज देख रहा हूँ, इस प्रकार काल की प्रत्यभि देश की प्रत्यभिज्ञा वस्तु की प्रत्यभिज्ञा तीन ही होता है।
कालात्मक प्रत्यय विज्ञान है ना, जैसे कल सुबह 7-7 बजे तक बात आज मुझे 7 बजे कर रहे हैं, यद्यपि वो काल तो नहीं रहेगा, अर्थ हम मार्ग उत्तर वो काल नहीं रहेगी, नए सार्वजनिक काल ही रहेगी। और फिर जो है वस्तु मतलब जिस स्थान में स्थान परिच्छिन्न है तो उस स्थान की प्रत्यविज्ञ हो रहे, और फिर जिस व्यक्ति को मैं देखा तो उसको भी प्रत्यविज्ञ हो रहा है, इसलिए ये सत्य होना चाहिए। सब प्रकार एक वस्तु केवल मतलब उस समय देखते हुए ही रहते, तो हम इसका उत्तर पहले भी देखा स्वप्न में भी तुम्हें कुछ अंदरूनी वस्तु या फिर बाहरी वस्तु, पर उठ करके तुम क्या बोलते हो बोलो ही मिलता है कि किसी प्रकार के मनादि माया या शुद्ध ज्यादा आदि को प्रभुत्ते तो यहाँ पे प्रश्न हुआ था जो आपने बोला था कल्पना करते कल्पयति आत्मनम आत्मना आत्मनम आत्मा देव स्वमाया स्वयं बुद्ध के वेदांत वेदांत निश्चय ये बोला था यहाँ पे आत्मदेव आत्मा अपने द्वारा अपने को अपने में अनेक रूप में विभाजन करके देखते हैं, अपने द्वारा अपने को अपने में अनेक रूप में विभाजन करके देखते हैं, स्वयं बुद्ध थे वेदांत वेद को अपने आप ही देखते हैं, इति वेदांत निश्चय ये वेदांत का निश्चय वेदांत देखते हैं, एक ही व्यक्ति है दो कोई है ही नहीं है, कोई अपनी महिमा को अपने आप देखते हैं। तब ये जो कल्पना करते किस क्रम में कल्पना करते तब उसको उत्तर मिलता है कि पहले उनका मन में जैसा संस्कार था जैसे वो पहले विद्यमान था संस्कार था अनुकूल है वस्तु की कल्पना करके उसको व्यवहार करते हैं। भी करोति अपरान भावन, परंतु जो तैयार करते हैं वो उसका अपना तुलना में उसकी सत्ता में घटिया सत्ता है। जो मैं बैठ करके इस शरीर को मान सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से, सूक्ष्म शरीर भी नाशवान है, सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से भी स्थूल शरीर जो है घटिया क्वालिटी का है, क्योंकि कुछ दिन में परिवर्तन होता है सूक्ष्म शरीर में कुछ तत्व रहते हैं, और आत्मज्ञान के हिसाब से सूक्ष्म शरीर की घटे क्वालिटी है वही कल्पना है, आत्मा की तुलना शुद्ध आत्मा की तुलना कल्पना है। इसलिए पराण मतलब अपराण हमारे मतलब थोड़ा निकृष्ट क्वालिटी का परिवर्तन है, व्यभिचर्य है, परिचिन्न है, नाशमान है, सब उसमें रहता है। अंतश्चित्त व्यवस्थीकरण जिसको जो हमारी अंतर चित्त में बैठा हुआ संस्कार तब हम पूरे बनाते हैं, और इससे कैसे बनाते हैं सूर्य चंद्रमा से उठाता यथा पूर्व मंगल आपके पास एक आया था देवता अधिकरण ब्रह्मसूत्र, वहाँ पे ये बताया गया है सृष्टि पूर्व काल का भी जैसा था परमात्मा ने उनका अनेन जीवेन आत्मा नाम प्रवेश नाम पूर्वे व्या है ना, जो पहले जो सृष्टि थी और उसमें जीव की क्या कल्पना उसके आधार पर लेकर के वो ऐसे कल्पना करते सृष्टि करते सृष्टि करते कुछ नियतश्च जो अनियतश्च कुछ क्रम से कुछ अनियत अचानक मंच कल्पना कर लिया हो गया बहिश्चित्र एवं कल्पयति प्रभु, इस प्रकार से परमात्मा ही प्रभु मतलब जिसके ऊपर नियम कुछ कोई नहीं है उसी को सब कुछ कल्पना करते रहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा टीका हम पढ़ लेते अंतिम टीका की पंक्ति दोबारा पढ़ेंगे ना बोला था यथा लोके कुलालो हाँ यथा लोके कुलालोबा तंतु वायुबा, इस प्रकार कुलाल मतलब क्या होते हैं कि जो कुंभकुहार और तंतुवाय मतलब होता है झोला घटम पटम व कार्यम चिकीर्षु घट अथवा पट भी कार्य को करने की इच्छा पेज 92 टीका में आ जाए नीचे से चौथा पंक्ति पेज 92 श्लोक नंबर 13 यथा लोके कुलालो वा तंतुवायो वा घटम पटम व कार्यम चिकीर्षु, जैसे इस लोग व्यवहार में चाहे वो कुम्हार हो चाहे वो झोला हो जो कपड़ा बनाते हैं घट अथवा पट को पट रूपी कार्य को बनाने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु करने की इच्छा रखने वाला आदि पहले क्या करते हैं व्यवहार योग्यम व्यक्ति बुद्धो आविर्भाव्य, व्यवहार के उपयोगी जो वस्तु उस व्यक्ति मतलब वस्तु को लेंगे जिस वस्तु चाहिए तत् अनुकूल पहले उसको बुद्धि में फिर होता है बुद्धो आविर्भाव्य, बुद्धो आविर्भाव्य बुद्ध में जो बैठा है उसको बैठा करते फिर क्या करते आविर्भाव तो उसमें बैठा करके पश्चात बाद में ताम एव वही नाम रूपाभ्यंत संभाव, उसी को बाहर अंतर चिंतन में जो बैठा हुआ था उसी को बाहर जो है नाम रूप और अर्थ क्रियात के साथ उसको जो है व्यवहार में ला देते जिससे अब कुछ प्रयोजन सिद्ध होते हैं, परंतु वो कुछ स्थिर वस्तु नहीं है कुछ स्थिर है आज है कल नहीं जैसे कर सकते
प्रभिपाशी निमित्त बनेगा कि इसलिए वो जो कोई नित्य वस्तु स्थिर वस्तु ऐसी बात है, इसलिए वो स्वत्व होगा ये नहीं समझना। लंबा समय तक रहने से कब तक रहेगा, जब तक उसका अर्थ क्रिया करता जाएगा तब तक है। विबोध दर्शन में क्या होता है कि वस्तु को क्षणिक माना जाए, कोई भी वस्तु प्रत्येक क्षण क्षण में परिवर्तन। न्याय वैशेषिक दर्शन तीन क्षण तक रहती है, बौद्ध दर्शन में प्रत्येक वस्तु क्षणिक में एक क्षण उसका स्थायित्व है, फिर नया एक वस्तु अगर को नाश हो जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन होता है वस्तु तीन क्षण रहता है, उत्पत्ति काल, स्थिति काल और एक नया प्रश्न, इसका अर्थ वही नाशिक बोलते हैं। और वेदांती बोलते हैं वस्तु जब तक उसका अर्थ क्रिया करते हैं प्रयोजन से तब तक रहता है, हम फिर भी तीनों में जो है नाशोमानव तो धारण कारण पारमार्थिक वस्तु नहीं है। यथा लोके कुलालोभा तंतुमय घट पठन प्रकाश्य चिकित्सु आदो व्यवहार योग्यम व्यक्ति व्यवहार उपयोगी वस्तु को बुद्धो आभिबुद्धि में बैठा करके पश्चात बाद में ताम एवं उसी वस्तु को ही बहिर्नाम रूपाभ्यंग संपादित बाहर नाम रूप के माध्यम से उसको संपादन करते, मतलब संपन्नाम करो तो उसको उत्पन्न कर देते हैं। तथे बटी उसी प्रकार से एवं अयम आदिकर्ता, ठीक उसी प्रकार से सृष्टि की आदिकर्ता बनाने वाला अभी वो भी माया लक्षण स्वचित्त। देखिए मान लेते तो उनका चित्त दिखाई पड़ता है संस्कार, परमात्मा तो मन नहीं है, कल मैं बताया था परमा चिंता कैसे करेगा, माया लक्षण स्वचित्त, माया शक्ति कैसी शक्ति है हम मन बना लेते हैं। माया लक्ष माया के द्वारा लक्षित होता है जो अपने चित्त मतलब पारमार्थिक नहीं है, नाम रूपाभ्याम अव्यक्त रूपेण स्थित, नाम रूप में अभिव्यक्त नहीं है इस प्रकार वस्तु जो अंदर माया रूप अंदर विद्यमान है स्थित, क्या है वो वस्तु सृष्टव्य पदार्थान जो सृष्टि करने योग्य वस्तु पदार्थान प्रथम शिक्षित आकारेण अंतर पहले इच्छा अंदर सृष्टि करने की इच्छा से वो अपने अंदर उसको उठा करके अंतर विभाव्य जो अंतर विभाव्य अंतर्भाव बुद्धि आविर्भाव्य इस प्रकार अंतर विभाव्य अपने कैसे अंतर विभाव्य शुद्धि बात को ऐसे पीछे अनेक जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर मन उनके उनके मन में क्या होता है माया रख के द्वारा लक्षित जो उनका मन है उस मन में पूर्व कल्प में सृष्टि कैसे थी, किसको सूर्य बोला जाता है, किसको चंद्र, किसको गाय, किसको स्वर्ग, किसको नरक बोला जाता था, ये उनके दिमाग। जिस प्रकार हम लोग जब भी निद्रा में चले जाते हैं रात को दूसरा दिन जब हम जगते हैं पहले दिन में जो भी कुछ हमारा ज्ञान था वो हमारे पास अपने आप ही निकलता है, इसी प्रकार वो माया शक्ति से जो मन उनका जो बीज अवस्था वो क्या होता है अनभिव्यक्त अवस्था में उसके अंदर रहता है और जिस समय सृष्टि के समय होती है तब फिर उसका अभिव्यक्त करते हैं चिंतन मन में ला करके फिर उसका अपने संकल्प से अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे माया लक्षण स्वचित्ते नाम रूपाभ्याम अव्यक्त रूप नाम रूप के माध्यम से अव्यक्त रूप में विद्यमान जो सृष्टव्य पदार्थ मतलब जो सृष्टि करने जो पदार्थ है पहले क्या करते हैं प्रथम शिष्ट आकार मतलब सृष्टि करने की इच्छा की आकार के द्वारा अंतर विभाव्य अंदर अंदर उसको सोच करके पश्चात बाद में वही सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूप जिसको सभी को दिखाई दे जिसको सबको दिखाई दे। इस प्रकार देखिए जो हमारे जो कोई फिल्म मेकर होते हैं ना पहले वो क्या करेंगे पूरा वस्तु उसका मन में सोचते हैं फिर बाद में पिक्चर उठा करके फिर सबके लिए देखने के लिए कोशिश बना, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी अपने सृष्टि के लिए पहले सूर्य चंद्र कैसा था फिर सूर्य सबको देखने के लिए हो गया है ना। इस प्रकार से आप जो है कि सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूप में संपादन सबको देखने में आ जाए। इस प्रकार से जिस प्रकार मान लीजिए स्वप्न आप ये तो हमारा सामान्य समझ में आता है व्यवहार स्वप्न में भी ऐसा होता है, स्वप्न में भी आपने सोचा कि मैं कहीं जाऊँगा तो मन ही मन सोचा पहले मन में ना फिर आपने उठ करके गया ट्रेन की टिकट खरीद गया वहाँ वहाँ जाके इससे मिलूँगा उससे मिलूँगा उसके जो आपने मन में सोचा तो आप स्वप्न में धीरे धीरे उठे आपने देखा फिर व्यवहार करते हैं। जब उठ जाएंगे जग जाएंगे तब फिर क्या बोलेंगे चाहे हम दूसरे के साथ व्यवहार किया उसको भी देखा उसको भी दिखाई दिया कि मैं आया मतलब स्वप्न में जग करके नहीं बोलेगा कि मैं तेरे को काल मिला था। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की तरफ जब हम लोग जान चलते हैं ना तब भी ऐसे स्थिति होते हैं कि भाई दूसरा कोई है ही नहीं एक शुद्ध परमात्मा ही विद्यमान है तो कौन किसको किससे मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण संपादय उसको संपादित कल्पनाया क्रम अजीवति इस प्रकार से कल्पना करने में क्रम ऐसा दिखाई देता है कल्पना में क्रम ऐसा दिखाई मतलब पहले मन में मनी मन कल्पना करता है उसमें से कुछ वस्तु को बाहर दिखाई पड़ता है कुछ अंदर ही रह जाता है ना। अब बाहर रहे चाहे अंदर है कल्पित तो दोनों में समान बैठे उसमें मिथ्या ही होगा ऐसा करके इसको अब जो है दूसरा स्वयं का उठा। ऐसी बात नहीं है कि
जो वस्तु बाहर का कल्पना करता है, अपने क्या बोला कि सबका व्यवहार जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो वस्तु चित्त काल में भी रहता है, व्यवहार काल में भी रहता है। अभी आपने कहा सारा मिथ्या है, ऐसे स्वप्न वैसे ही जो है जागृत है, परंतु फिर भी आप एक व्यवहार को अलग कर रहे हैं। तीन सत्ता हो गए ना हमारे पास, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। तो आप ये जो आप इधर बोल रहे हो स्वप्न की तरह मिथ्या है, और इधर जो व्यवहारिक सत्ता मान रहे हो, बोलते व्यवहारिक सत्ता मान्य है जितना मान लो कि कुछ देर के लिए अर्थ क्रिया करके सीखते कुछ देर के लिए, परंतु आप जब आत्मा के सापेक्ष में जब जाओगे तब क्या हो जाएगा, वो भी मिथ्या हो जाएगा। व्यवहार मतलब क्या है, जैसा हमने जो शुरू व्यवहार मतलब क्या आता है, सुख प्राप्ति के लिए निमित्त जो हम व्यवहार किया करते हैं उसको व्यवहार बोलते हैं, अथवा आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए जो क्रिया करते वही व्यवहार। किसी भी जगह पर किसी प्रकार के व्यवहार में आप देख लो इसके पीछे यही यही मतलब उद्देश्य यही है। और फल भी दो ही है, कितना भी फल आपको प्राप्त कर लो, उतना भी सारा वस्तु आपके पास आ जाए, फल उसका दो ही है, या तो सुख देगा या दुख देगा, अल्टीमेटली फल एक ही है, क्या है, दुख है, दुख है। और आत्मा नित्य जो है सुख स्वरूप है, दुख की लेश मात्र भी नहीं है। जब इस प्रकार की बोध किसी खाने को किसी साधक को मुख्य साधक को हो जाता है तब फिर उसका सारा व्यवहार धीरे धीरे शरीर के व्यवहार होने का भी आत्मा में कोई व्यवहार नहीं रहता है। निश्चय इसको समझाने के लिए अगला कार्य का आगे होंगे। आप देखिए यहाँ पे आगे टीकाकार अगले के लिए उपलब्ध देते हैं, कल्पी कल्पितानाम कल्पना काला अन्य काले सत्य अभाव। आपने क्या कहा, कल्पित वस्तु का कल्पना काल को छोड़ करके अन्य काल में उसके विद्यमानता के अभाव होने के कारण मिथ्या माना आपने, ठीक है ना। कल्पितानाम की कल्पना काला अन्यस्मिन काले, कल्पित वस्तुओं का कल्पना काल से भिन्न काल में अन्यस्मिन काले सत्ता अभाव, सत्ता के अभाव होने के कारण। एक दूसरा बोलते हैं जागृत भावानाम च कल्पना काला कालांतरे अपि गया सत्य अवगमान अनुपन्नम तेषां मिथ्यात्वम् इति आशंक्य आह, ठीक है ना। शंकावादी बोल रहे ये तो जागृत को स्वप्न की तरह मिथ्या आपने कह दिया, ये होना संभव नहीं है, क्यों, साप्निक वस्तु केवल मात्र एक काल वाला होता है, जिस समय देखते हैं उस समय है, बाद में उठकर को नहीं मिलता, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या समझ रहे हैं कि साप्निक वस्तु तो हम तो उस समय थोड़ी देर के लिए चित्त काल में मात्र है, परंतु व्यवहारिक वस्तु का तो प्रत्यवेक क्या होता है, जिसको मैं काल देखा था उसको आज देख रहा हूँ, साप्निक जिस स्वप्न को मैं काल देखा था उसके ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए दोनों एक कैसे होगा। परंतु उनको इतना जगह पर समझ में नहीं आ रहा है कि एक जो है ये प्रबोध, प्रबोध मतलब निद्रा से जगना, प्रबोध मतलब कहता है निद्रा से जगना, है ना। तो ये जो है वहाँ पे आपने जब स्वयं सो करके जो स्वप्न देख रहे थे उस निद्रा से आपने जग गए, परंतु माया निद्रा से अभी तक नहीं जागा, इसीलिए आपको वस्तु सत्य की प्रती होती है। तो कल्पितानाम कल्पना कालात अन्यस्मिन् काले सत्य अभावात्, कल्पित वस्तु का कल्पना काल को छोड़ करके अन्य काल में उसकी विद्यमानता के अभाव होने के कारण, है ना, एक हेतु एक। और जागृत भावानाम च कल्पना कालात कालांतर अपि प्रत्यभिज्ञया सत्य अवगमा, दूसरा हेतु, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बोलता है, जागृत वस्तुओं का परंतु जागृत वस्तुओं का कल्पना काल से भिन्न काल में भी प्रत्यभिज्ञ रूप में उसकी विद्यमानता समझ में आने के कारण प्रत्यभिज्ञ सत्य अवगमाय, वही वस्तु है ऐसे करके प्रत्यभिज्ञ होती है, यानी इसलिए समझ में आने के कारण क्या हो गया, ये दो हेतु। सब प्रकार में एक स्वाप्निक वस्तु एक काल वाला है और जागृत वस्तु दो काल वाला है, मतलब स्वकल्पित काल में भी है व्यवहार अनुष्ठ भिन्न काल में भी है। इस कारण से अनुपन्नम तेषां मिथ्यात्वम्, इसीलिए अनुपन्नम जागृत वस्तु नाम मिथ्यात्वम्, तेषां से क्या लेंगे, जागृत की मिथ्यात्व युक्ति संगत है। इति आशंक इस पर शंका करने पर उत्तर देते हैं, आह अब इस उत्तर में इस कारिका, ठीक है ना, इस कारिका के द्वारा निराकरण करने जो कुछ शंका को यहाँ पे कारिका का हम बोल रहे हैं। चित्तकालाहियन्तस्तु द्वयकालाश्चैवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः चित्तकालाहियन्तस्तु द्वयकालाश्चैवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः।
चित्तकाल केवल मात्र चित्तकाल में जो है चित्त में जिस समय देखा उस समय आपको देखा देता है वो अंदर विद्यमान है। चित्तकाल ही ये प्रथम बहुवचन है ये अंतस्थ हो या अंदर विद्यमान है चित्तकाल है। द्वय कालाश्चर्य भी और बाहर जो वस्तु दिखाई पड़ता है उसका दो काल है एक चित्तकाल और एक बाहर रहने की काल। बाहर रहने की काल दो काल है कैसे आपको लगता है मतलब कोई क्या दिखाई यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ को सृष्टि करने से पहले पहले उसका मन में आता है एक काल हो गया चित्तकाल और उसको जब बना दे तब हो गया भाई इसका द्वितीय काल हो गया और उसका प्रत्यभिज्ञा भी होता है बाद में। इस प्रकार से बोलता है द्वय कालाश्चर्य भी परंतु यहाँ पे देखो दृश्यत्व रूपी धर्म हमने क्या हेतु दिया था दृश्यत्व दृश्यत्व रूपी हेतु यहाँ पे समान है कि नहीं है और दृष्टिवत के संस्कार जनता के मोस्ट पावरफुल है संस्कार हेतु एक दृश्यत्व और संस्कार जनता तो चाहे शाब्दिक व्यवहार हो चाहे आपका जागृत व्यवहार होता तो संस्कार के लिए सबके शब्द व्यवहार नहीं करते इसीलिए आप बोलते हैं कल्पिता एवं सर्वे चाहे वो अंदर दिखाई दे चाहे बाहर दिखाई दे पाए बाहर लंबा समय दिखाई दे। आप ये बताओ आपको कहाँ दिखाई दिया जहाँ जहाँ प्रत्यभिज्ञ होता है वहाँ वहाँ सत्यत्व है ये व्यक्ति कहाँ दिखाई दिया जहाँ प्रत्यभिज्ञ होता है वो सत्य है ये व्यक्ति आपको कहाँ दिखाई दिया आपको अर्थक्रिया करेंगे तो एक मुंह कुछ काल के लिए सिद्ध करेगा दो मिनट के लिए बाद में तो नहीं करेगा सिद्ध। आज मैं इस चीज को निकाल बाजार से खरीद के लाया आज लिखा कि प्रयोजन सिद्ध किया परंतु कल जब लिखने गया तब देखा कि इसका सेठ खत्म हुआ तो हाथ से गिर गया तुम लिखा कहाँ सिद्ध सिद्ध प्रयोजन सिद्ध कहाँ कई वस्तु में ऐसा है तो पहले मैं बताया था कई कोई भी वस्तु संसार में देख लो जिसको अपने जिस उद्देश्य से लाते हैं एक दो दिन मतलब एक दो दिन जो मैं बोल सात्विक वस्तु का समय कुछ क्षण हो जाए इसी प्रकार परमात्मा के समय के हिसाब से हमारे शरीर का समय कुछ क्षण से भी कम है थोड़ी देर के लिए केवल देखा ही मतलब देते हैं इसीलिए सत्य होगा। आप दूसरी बात हमारे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको जो है प्रातिभाषिक वस्तु आप जिस सबको को मैंने सर्पों को देखा उस सब सर्प को मारने के लिए मैं लट्ठी लेकर के आया अब ये वही सर्प है जिसको मैं मारना चाहती हूँ इस प्रकार प्रत्यभिज्ञ आपको कभी होगा मारने जब जाओगे उसको देखने जाओगे सर्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जिस रजत को यदि आप चांदी समझ करके आप उसके प्रति दौड़ रहे थे अब वही रजत को जब उठाने जाओगे मिलेगा वो रजत कि नहीं इसलिए जहाँ प्रत्यभिज्ञ होती है वो सत्य वस्तु कहाँ दिखाई दिया आपको परमार्थिक सत्य नहीं है थोड़ी देर व्यवहार के लिए जब तक हम वहाँ पे नहीं उठाया तब तक हमको रजत ही है ऐसा निर्णय परंतु जैसे हाथ में उठाएंगे तब वो वस्तु नहीं है यहाँ पर ना उसको मारने के लिए कोई लट्ठी बुझो है वहाँ पर कुछ भी नहीं जो ज्ञान निवर्तक मिथ्यात्म ही जो है तो ज्ञान से मिल जाता है इस चीज़ को समझ नहीं आती प्रत्यभिज्ञ होना मात्र से वो सत्य वस्तु होना जरूरी नहीं है प्रत्यभिज्ञ होने वास्ते से सत्य वस्तु होगा जहाँ जहाँ प्रत्यभिज्ञ हो वहाँ सत्यत्व ये व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देता। जागृत काल में जो आप सोच रहे हैं ना क्योंकि उस समय आप जो है कि माया नियंत्रण में सोए हुए और वो वस्तु की थोड़ी देर के लिए आपको मतलब आज दो दिन के जिसका जिसका कब तक रहेगा इसमें मैं बोला बहुत दो क्षणिक मानते हैं नए दर्शन तीन क्षण मानते हैं वेदांत ये बोलता है जब तक आपको दिखाई व्यवहार सिद्ध होता है उतना मान कर सकते हैं आज ही घरा लेकर के गया हाथ से गिर गया टूट गया भर गया मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है इसलिए जो है ये जो मतलब जो प्रत्यभिज्ञ होगा वो सत्य के हेतु होगा ये जरूरी नहीं है इसका मन में रखते हुए यहाँ पे बोलते हैं चित्त काल ही अंतस्तु दय काल चले वही जो भार वस्तु होते हैं वो दो काल से कल्पित होते हैं परंतु कल्पित है वो तो सभी कल्पित है विशेष न अन्य हेतु का ये मिथ्यात्व होने पर भी इसमें भी कोई मतलब प्रत्यभिज्ञ होगा इसीलिए सत्य अन्य हेतु का मतलब प्रत्यभिज्ञ हो रहा है इसलिए सत्य ऐसी बात नहीं है इसमें भी कल्पित मिथ्यात्व ही बैठे हुए हैं। वहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी मूल में ही दिखाई पड़ रहा है ठीक है ना मूल में है एक नंबर टिप्पणी द्वय काल यहाँ पे जो है कालयोर द्वयम है ना काल का दो भाग जिस प्रकार मान लीजिए सात से आठ एक काल आठ से नौ दूसरा काल ठीक है ना ये काल का दो द्वय काल एक कुछ काल के एक समय बैठ करके मैं बैठ करके थोड़ा जैसे यहाँ पे आने से पहले पूजा करते हैं थोड़ा ध्यान किया उस समय केवल मतलब मनोवृत्ति चित्त कालता मेरे पास जैसे हमें बाहर आए तो बहिष्कार हो गया मैं चल के यहाँ पे आया इस प्रकार ये काल कालों का दो द्वय काल तत् अर्षादित्य अक्ष यहाँ पे जो सूत्र है मान लीजिए इस काल में आये हुए सूत्र के साथ
शब्द से अच प्रत्यय होते थे काम अर्थ हो जाता है मधु प्रत्यय प्रत्यय है अर्षाधिगण में आयु शब्द काल द्वयवंत दो काल वाला कौन ये वस्तु दो काल वाला क्यों एक एक मेरा मन की कल्पना थी और बाद में व्यवहार करने पुस्तक तक रहे थे इसलिए दो काल वाला कौन ये वस्तु काल द्वयवंत इसलिए बोलते हैं काल कालयोर द्वयम कालों का दो इसलिए बोलते द्व काल द्वय काल जिसको बोलते हैं दो काल मतलब दो काल है तक रहते हैं जो वस्तु हो गए द्व काल बंत काल द्वयवंत दो समय तक रहते हैं जो वस्तु हो गया काल द्वयवंत कौन समय तक एक बार चित्त काल में भी रहता है बहिष्काल में भी रहता है ये होता है काल द्वयवंत अर्षादिव्यति सूत्र मानिनी सूत्र है ये अर्षादिगण में आयो शब्द से पांच प्रत्यय होते हैं मत प्रत्यय इसलिए होते हैं काल द्वयवंत वाला दो काल वाला ये वस्तु कितना है मतलब अर्थकारिता अथवा अर्थ क्रियाकारिता सिद्ध करने तक इसका काल रहता है इसलिए दो काल वाला कल्पना किया था मनी मन मुझे पेन मिल जाए अभी बाद में मिल गया जब तक इसको उपयोगिता रिफिल है तो आजकल तो अभी यूज अंतर हो गया आजकल तो और अनुपयोगिता सिद्ध हो जाता है आजकल अधिकतर वस्तु क्या होते हैं यूज अंतर इसका अनुपयोगिता सिद्ध आप कभी कर दिया इसीलिए बोलते हैं काल दैवंत इतिहास एक नंबर दो नंबर टिप्पणी विशेष विशेष प्रत्यभिज्ञा विषयत्व रूप विशेष एक एक में प्रत्यभिज्ञा हो रहा है कुछ विशेष है ये बात नहीं है क्योंकि प्रत्यभिज्ञा होने से वो सत्य होगा ये कोई जरूरी नहीं है इसलिए हम बोलते हैं कि विशेष प्रत्यभिज्ञा विषयत्व रूप विशेष प्रत्यभिज्ञा विषयत्व रूप जो विशेष मतलब ये प्रत्यभिज्ञा का विषय बन रहा है जिस पेन से मैं कल लिख रहा था इस पेन से आज भी लिख रहा प्रत्यभिज्ञा का विषय बनने के कारण इसमें कुछ विशेषता आ गया विशेषता क्या सत्यत्व आ गया ये जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये भी दृष्टित्व धर्म यहाँ भी बैठे हुआ थोड़ी देर के लिए ठीक है जितना चित्र वाले वस्तु का समय थोड़ा कम होता है इसका थोड़ा और समय अधिक होगा परंतु इससे सत्य हो गया ये जरूरी नहीं इसको हाँ क्या होगा व्यवहारिक सत्यत्व आप बोलेंगे तो ठीक है कुछ देर तक हम मान सकते हैं पारमार्थिक सत्य द्वारा वस्तु नहीं है अब देखिए यहाँ पे टीकाकार किस करते हो जे टीका है जे कल्पना काल भाविन भाव मनसी अंतर्वर्तन्ते एक जे च प्रत्यभिज्ञाय मानत्तेन पूर्व पर काल भाविन वही एव व्यवहार योग्य दृश्यन्ते ते सर्वे कल्पिता संत मिथ्यैव भवितुम् अर्हन्ति श्लोकार्थ तो अनुगिरि ने एक ही साथ कर दिए ये कल्पना काल भाविन जो केवल मात्र कल्पना काल में विद्यमान नहीं है ये कल्पना काल भाविनो भावा कल्पना काल में रहते हैं जो विद्यमान वस्तु मनसी अंतर्वर्त्यन्ते वो मन के अंदर विद्यमान है कल्पना काल कल्पना कहाँ करते मन में करते तो मन में विद्यमान है एक कौमा करते नहीं ये च अवयु वस्तु प्रत्यभिज्ञाय मानते न है ना प्रत्यभिज्ञा हो रहा है जिसका मतलब जिस व्यक्ति को मैं काल देखा था उसको मैं आज भी देख रहा हूँ जिस वस्तु से मैं काल व्यवहार किया था व्यक्ति वस्तु उस वस्तु से मैं आज व्यवहार करूँ जिस कल जिस समय मैं पाठ कर रहा था आज उसी समय पाठ कर मन लगता है कि वही हो रहा है परंतु आप यदि ठीक से देखेंगे उस व्यक्ति में भी परिवर्तन हुआ उस वस्तु में भी परिवर्तन हुआ समय तो बदल गया तो समझ में आता ही है रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है ना इसलिए आप बोलते हैं ये च प्रत्यभिज्ञाय मानते न पूर्वापर काल भाविन पहले काल भी था और बाद वाले काल में भी रहने वाले वस्तु वही एक बाहर रह करके व्यवहार योग्य दृष्टान्त व्यवहार के उपयोगी रूप में दिखाई देते हैं ठीक है ना वही एक व्यवहार योग्य दृष्टान्त व्यवहार के उपयोगी रूप में दिखाई पड़ते हैं ये सर्वे वो सारा वस्तु कल्पिता संत वो कल्पित होते हुए मिथ्या एवं भवित मिथ्या एवं भवित वो भी मिथ्या कह नाम से होना कहना युक्ति संगत है अथवा योग मिथ्या नाम से कहने योग है संतों होते हुए संत यहाँ पे संत मत तो ये नहीं है संत महात्मा नहीं पास का पार्टी सब संत संतो संत संत संतो में स्कूल नहीं है संत संतो संत व्यवहार योग्य दृश्यन्ते ते सर्वे कल्पिता संत सारा कल्पिता ते सर्वे कल्पिता संत चार प्रथम भूवचन व्यवहार योग्य लिख रहे हैं तो ये व्यवहार योग्य पदार्थ है और जो अव्यवहार योग्य पदार्थ वो अव्यवहार योग्य पदार्थ तो कल्पित है ही वो तो मन में है ही
कल्पित है, व्यवहार अव्यवहार दोनों को ही हम मिथ्या कोटि में है। हमको कुछ प्रशंका भी हो रहा है, जिससे व्यवहार नहीं कर पाते उपयोगिता सिद्ध नहीं है तो मिथ्या बोल तो ठीक है, परंतु जो व्यवहार जो पदार्थ है उससे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उसको मिथ्या कैसे बोल रहे हो। हमारा उत्तर यही है कि व्यवहारकारिक सत्य तो हम मान सकते हैं पारमार्थिक, इसलिए हमेशा बोला कि जगत मिथ्या को इस जगह फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नों का मिथ्या कब बोलते हैं, जागृत जागने के बाद जागृत की सापेक्ष में स्वप्न मिथ्या है, ठीक उसी प्रकार माया निद्रा में जग से जगने के बाद तब जगत मिथ्या है, जागृत मिथ्या। अब जब तुरीय के सापेक्ष जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस चीज को ध्यान रखना है ना, ये रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। इसीलिए आप ये बोलते हैं कि वही एव व्यवहार योग्य दृश्यंति इति सर्वे कल्पिता संत मिथ्यैव भवितुम् अर्हन्ति, मिथ्या ही होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायमानत्व लक्षण विशेषस्तु न कल्पितत्व प्रयुक्त, ये जो प्रत्यभिज्ञा जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ सत्य होगा, कुछ विशेषता आ जाएगा। प्रत्यभिज्ञा होने से सत्यत्व भी विशेषता आएगा, ये बात नहीं है। कल्पितत्व धर्म वहाँ भी बैठा हुआ है, हमें लगता है कि हम कल का ही वस्तु दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि हमारे अंदर सूक्ष्म दृष्टि नहीं है। कल के शरीर में आज के शरीर में कितना परिवर्तन हो गया, कल के मन में आज के मन में कितना परिवर्तन हो गया, हमको दिखाई दे रहा है। एक चित्रकार एक भैंस का, एक अंतकार एक भैंस का, पता ही नहीं लगता है। लेकिन काल का काम का बदलना पड़ेगा आज में, जैसे सपन में कोई मर्डर कर दिया जी, ज्यादा हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लाइफ में अगर कुछ ऐसे हुआ तो उसको 10 20 30 साल जेल भी हो। वो कौन कौन पकड़ के रखते हैं, आसक्त मन, तामसिक वृत्ति वाले मन जो दुख को लंबा समय तक पकड़ के रखते हैं, मन पकड़ के रखते हैं, आत्मा में नहीं है वो चीज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आत्मा के सापेक्ष में, तुरीय के सापेक्ष में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन मिलता है, जागृत के सापेक्ष में जागृत मिथ्या नहीं है, स्वप्न के सापेक्ष में स्वप्न, जब तक मैं स्वप्न देखता हूँ तब तक स्वप्न मिथ्या नहीं है। ये चीज़ को समझना है, मैं तब जाकर के आपको सिद्धांत पक्का हो जाएगा। आपको किसी को बोलने में हम मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या की परिभाषा की यही है कि दिखाई दे रहा है और जब तक हम निद्रा में तब तक मेरे को दिखाई दे रहा है। जैसे हम जगेंगे तब क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद अधिष्ठान दिखाई देगा, नाम रूप रहते हुए भी वहाँ पे। जिस प्रकार मरुभूमि में हमको पानी दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु हम दूसरा दिन भी आपको किसने कह दिया, पर दूसरा दिन भी हम वैसे ही चाक्षिकता दिखाई देते हैं, परंतु मन से सत्यत्व तो बुद्धि कल अपने निकल जाते हैं और फिर हम पानी के लिए नहीं दौड़ते हैं। बस इतना ही ज्ञान की लाभ है, इतना ही ज्ञान की लाभ है। प्रत्यभिज्ञा मानत्व लक्षण, प्रत्यभिज्ञा हो रहा है इसके द्वारा लक्षित होता है जो विशेष वस्तु न अकल्पितत्व प्रयुक्त, परंतु ये विशेषता वो कल्पित नहीं है, सत्य है इसके लिए नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ प्रत्यभिज्ञा वहाँ वहाँ सत्यत्व, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है सत्य। हाँ कहें थोड़ा थोड़ी देर तक व्यवहार होता है, इतना ही मात्र है। इसलिए हमें बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा हमारा लक्षण है विशेषस्तु न अकल्पित प्रयुक्त, वो कल्पित नहीं है सत्य वस्तु ये नहीं है। मतलब क्या व्यक्ति दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ प्रत्यभिज्ञा है वहाँ वहाँ सत्यत्व, ये व्यक्ति सही नहीं है, वहाँ भी कल्पितत्व ही बैठा हुआ है, वहाँ भी कल्पितत्व ही बैठा हुआ है। और दो कल्पना है, एक क्या हो गया, ये प्रत्यभिज्ञा मैं अपने पुत्र को आज देख रहा हूँ और मेरे पुत्र के प्रति जितनी प्रीति थी वो प्रीति भी हमारे अंदर सभी व्यक्ति होते हैं, परंतु दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों में परिवर्तन होता है। मतलब पुत्र जिस पुत्र का दो महीना अब कोई व्यक्ति बाहर चले गया पुत्र को छोड़ करके, छः महीना बाद आया तो उसको उसी पुत्र देखेगा कि भिन्न परिपुत्र देखेगा, यार यही तो बड़ा हो गया अभी क्या हो गया, क्योंकि बड़ा भिन्न रूप में मन मन जो ये कर रखा था ये चीज़ें उस चीज़ को तरह देखेंगे, ये मन कल्पित है। आप देखिए वो पिंड, वो एक पिंड भारी वस्तु है और पुत्र तो मानसिकता है, समझना है आपको, पिंड भारी वस्तु है पुत्र तो एक मानसिक काल है, मनकाल मनकल्पिता है, ठीक है ना। तो आप जो है आप देखिए एक पुत्र आपका 10 साल जीता है, एक पुत्र 50 साल जीता है, एक पुत्र 10 महीना बाद मर जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे 50 साल वाला पुत्र सत्य है और 10 महीना वाला पुत्र मिथ्या है, पुत्र तो पुत्र तो है इसलिए आगे मिथ्या जाएगा ही, उसको कोई सत्य तो नहीं है। एक एक बाहरी व्यापार है, मतलब एक पिंड बाहरी हो गया वयस का और अंतकाल हो गया हमारे पुत्रत्व अंतचित्त धर्म और मन से भी जो कुछ हमने बनाया। आप देखिए आपने कितना लाड प्यार से पुत्र को बड़ा करते हैं, खिला पिला के भोजन वस्त्र स्कूल सब देते हैं, परंतु बुढ़ापा में नहीं काम आते, कहाँ प्रयोजन सिद्ध हो। इसलिए
ये इस सब कारण जिसमें मिथ्यात्व निश्चय करना ये शास्त्र बताते हैं। प्रत्यभिज्ञायमान तो लक्षण विशेषस्तु न अकल्पित प्रयुक्त चार नंबर टिप्पणी में न अकल्पित प्रयुक्त तथा कल्पितानां तथा प्रत्यभ्य प्रतिभाना कल्पना एव तत्र मूलम न सत्यत्वमिति भाव तथा उसी प्रकार से कल्पितानां कल्पित वस्तु का हमने जैसा कल्पना किया था किसी में हमने पुत्रत्व की भावना की थी है ना, अब उसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञ। अब देखिए एक चीज, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो जनेऊ खूंटा में टांग के रख देता हूँ, फिर भी जो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते। ऊपर के जनेऊ से वो ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व का अभिमान है। यहाँ तक भी देखिए हम संन्यास ले लिया लगभग 30 साल होने जा रहे हैं, 1991 में 30 साल। तो अभी भी कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं, शरीर ब्राह्मण शरीर है, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व के अभिमान बैठा, ब्राह्मणत्व का अभिमान बैठा। अभी देखिए कुछ अभी जो है कुछ दिन ये बोल रहे थे किसी ये कुंभ मेला की किसी भंडारा भंडारा कुछ मुसलमान आ गया था जनेऊ पहन करके, तो वो जो है भंडारा के खाना खा पी कर मिल रहा था अच्छा खासा। तो सब जो बड़े होते हैं उनको देखने से उनको पंचों सत्य नहीं बोल मतलब बैठते के ढंग से पता लगा, तो फिर जब पकड़ करके तो कोतवाल होते हैं वो तो सब तो हम लोग मुसलमान हैं। अब देखो ब्राह्मण जनेऊवादी लगा दिया, ब्राह्मण अब तो आए तो मुसलमान तो धर्म अभिमान तो वहीं पर है, ये अभिमान मात्र है, ये अभिमान मात्र है। जनेऊ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्यों यदि इधर इधर चोटी तो लंबा रखते हैं, अब छोड़ दो जी बोलते थे यदि जनेऊ रखना अथवा चोटी रखना इच्छा नहीं है कोई असुविधा नहीं है, हमारे पास आइए हम विधिवत छुड़वा देंगे आपको, कोई पाप नहीं लगेगा, हमारे पास आइए हम विधिवत छुड़वा देंगे आपको। हमने दर्शन पिला दी कई बार बोलते थे, मतलब जब तक है आश्रम में तब तक उसकी मर्यादा को रखिए, तब तक उसकी मर्यादा को रखिए। तो क्या होता है जब चोटी रख दिया इतना बड़ा लोग तो देख रहे जनेऊ दिखा नहीं देते उसको टांग दिया बाहर। मर्यादित व्यक्ति तो नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता। कोई नया व्यक्ति आया तो पहले एक बार पूछ लिया, पूछ लिया, डोंट गो फॉर एनी आइडेंटिटी, बस अपना आइडेंटिटी के ऊपर। अब यदि आजकल व्यवहारिक काल में जो आवश्यकता है तब बोलना पड़ता है, पूर्वा समाधि में बोलना पड़ता है, परंतु ये भी मन में भावना रहता है ये शरीर का परिचय है, आत्मा का परिचय मेरा परिचय नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ तुम किसकी परिचय मानते हो, मेरा अथवा शरीर का, शरीर का परिचय दे दूंगा, मेरा परिचय तो तुमको नहीं बता सकता, तुम समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा डाइग्रेशन, बैंक में एक संत को हम ले गया था अकाउंट खुलाने के, संत लोग अपना पिताजी का नाम अपना गुरुदेव का नाम जी बिल्कुल बोले, वो संत को पूछा वो बोला गुरुदेव का नाम, वो लिख लिया, अभी बोला माँ का नाम बोला, अभी सन्यासी का बहुत मुश्किल हो गया, तो वो अपना माँ का नाम नहीं बोलेंगे, अब उसको तो माँ नहीं है, इसीलिए तो बोला गंगा मैया, वो तुरंत लिख दिया गंगा मैया। फिर पूछेगा गोत्र क्या है, बोलेगा शिव गोत्र, गोत्र नहीं पूछेगा, अभी तो बोलेगा शिव गोत्र। बैंक में वो नहीं पूछता कि माँ का नाम पूछता, इसीलिए तो सन्यासियों को अधिकतर व्यवहार से बाहर ही आना चाहिए। अभी तो व्यवहार कर रहे हैं ना, जी तो आप नेगेट करेंगे तो नहीं कर सकते, जब व्यवहार कर रहे हैं तब क्या है मन में धारणा रखना, व्यवहार शरीर से हो रहा है, इसलिए आज आई बात शुरू में वहाँ से किया, ढंग से किया कि व्यवहार क्या होता है कि कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख निवृत्ति की इच्छा से सारा व्यवहार हो रहा है, सारा व्यवहार हो रहा है, और सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति शरीर इंद्र मन बुद्धि चित्त लिमिटेड है, मैं उसको देखता रहता हूँ। जो साधना करता है वो तो इटरनल आनंद के लिए साधना कर रहा है, वो भी तो वही काम ठीक है, वो इंटरनल होने पर भी जब आप साधना कर रहे हो ना, क्योंकि आप अपना सुख स्वरूप को नहीं जान रहे हो, आप सोच रहे साधन करके स्वरूप खुलेगा। मैं एक दिन बताया था आपको एक किसी पाठ में, एक ऊँट के पीठे बहुत बड़ा पत्थर की बोझ लाती, कोई सोचता है कि इतना कहाँ से ले जाएगा, एक आधा पत्थर खाली कर देता हूँ, कैसे वहाँ से निकाल कर। इसी प्रकार अनादिकाल से पाप पुण्य से जुड़ा हुआ है, और सोचता हूँ थोड़ा देर दो चार घंटा, मतलब दो चार घंटा ही हमारे जीवन के हिसाब से थोड़ा साधन करके थोड़ा पुण्य कमा लूँ,
जब तक अपने स्वरूप का निश्चय ना रहे कि नहीं हमारे बाप पुण्य के साथ किसी के साथ मैंने कोनो काल में संबंध ही नहीं है, ये निश्चय हमको बचा सकते हैं। ठीक है, साधन की अनुपयोगिता मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए मानसिक शुद्धता और एकाग्रता चाहिए, इसलिए साधन की उपयोगिता है, परंतु इतना ही मात्र उपयोगिता है कि मन थोड़ा सा उसके प्रति निष्ठा है, आत्मनिष्ठा है। यहाँ पे जो होता है ना अकल्पित प्रयुक्त तथा कल्पितानाम तथा प्रतिभाना, जिस प्रकार जमने जिसको कल्पना किया उसी प्रकार हमारे सामने प्रतीति होती है। देखिए एक ही पिंड को देख करके, एक ही पिंड को देख करके कोई कहता है पिता, कोई कहता है भ्राता, कोई कहता है दोस्त, कोई कहता है मामा, कोई कहता है चाचा, की वजह से प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमने जैसा अंदर से बनाया, हमने जैसा अंदर से संबंध बनाया वैसे, इसलिए बोलता है कि तथा कल्पितानाम प्रतिभा प्रतिभाना, जैसे हमने कल्पना की इसके साथ संबंध वैसे ही हमारे प्रतिभा प्रतिमान प्रत्यभ क्या होता है। मैं मेरे मामा जी को मिलकर के आया, ये तो प्रत्यय क्यों, मैंने मन मन से संबंध बनाया था, जब तथा कल्पितानाम था, जैसे हमने जैसे हमने कल्पना किया था उसी प्रकार के प्रत्यय प्रतिभाना, कल्पना एक अनमूलम, इसलिए मूल तो कल्पना ही है, न असत्यम इति भाव, वो जो है मतलब न सत्यत्व इति भाव, वो सत्य है ये बात नहीं है वहाँ पे, जैसे आपने पहले मान्यता दिया था गवर्नमेंट का व्यवहार सकता है, परंतु अनामर्थिक सत्य हो गया जरूरी नहीं है, इसके अंदर भाव जो कल्पित अपित दर्शनादिति अर्थ, मतलब कल्पित वस्तु से भी व्यवहार होता है, प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक स्वरूप मिलता है, ये तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन का अनुभव है, प्रातिभाषिक वस्तु से व्यवहारिक शुद्ध मिलता है ना, कल्पित वस्तु से आपको कोई अच्छा चीज, मान लीजिए आप लंबा समय पहले किसी महापुरुष से मिले थे, अचानक अकेला बैठ करके आपको याद आ गया, मन कुछ दुख था वो याद आ गया, तो आप उनको सोचते व्यवहार करते तो मन थोड़ा हल्का हो जाते हैं, मन शुभ आ जाते हैं, उस समय तो कल्पित है वो। अब ठीक इसी प्रकार से स्वप्न में हम कोई वस्तु देखा, स्वप्न में कोई वस्तु देखा जो सुखदायक है, यदि वहाँ बहुत अच्छा सुख जग जाते हैं तो हमें सुख एक फीलिंग होती है, डर गया दौड़ रहे थे तो हाँप रहे हैं, बिलक रहे हैं कि शेर मेरे को पीछे भगा रहे, जग गया तो अंदर मुझे डर वाला, इसलिए है तो प्रातिभाषिक वस्तु, परंतु देखो सुख दुख व्यवहारिक हो रहा है। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि वस्तु सत्य होना होता हमको सुख दुख होगा, प्रातिभाषिक से भी व्यवहारिक सुख दुख होता है, इसलिए कल्पित अपित दर्शन से कल्पित वस्तु में भी इस प्रकार सुख दुख अथवा प्रत्यक्ष विघ्न होते दिखाई देते हैं। कल्पित अपि तद दर्शन, कल्पित वस्तु में भी तद मतलब प्रत्यभिज्ञा दर्शनादिति अर्थ, यहाँ तक आनंद गिरी जो अर्थ कर दिया। ठीक है, अब श्लोको व्यावर्तम आशंकम दर्शयति, श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है, क्या शंका है, यह है कि जो जो प्रत्यभिज्ञा होता है वो सत्य होता है, ये पूर्ववादी शंका, इस शंका को निराकरण, संक्षेप में समझ में आएगा ना, मतलब एक एक काल वाला एक दो काल वाला, तो दो काल वाला प्रत्यभिज्ञा काल में रहने वाला वस्तु सत्य होता है, और जो केवल चित्तकाल में तो मिथ्या होता है। कोई कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, महाराज चला कृपा करो मैं क्रोध चला गया, मैं बोला कि ठीक है क्रोध करके देखो, नहीं इस समय तो नहीं है, यदि क्रोध तुम्हारा पारमार्थिक होता तो उस समय भी तुम्हारे सामने चाहिए था, उन्हें किसी निमित्त में किसी अपने ऊपर ये सब आरोप ही नहीं करना है, समझ में आ रहा है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो प्रेम आदि ये सब जो है ये गलती वस्तु है, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है, वो तो मन किसी समय किसी निमित्त तो मैं पापी हूँ, पापो हम पापो कर्म हम, दूसरे समय पर इतना मन भी लगा करें क्या बोलते हैं कि पापो हम पापे ही तुम सिखा, मैं असंख हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मेरा पूर्ण के साथ मेरा संबंध नहीं है, ये भावना बचपन से कभी डाल देता है बच्चे का, मैं बोलता ये उपनिषद मतलब गुरुकुल में जाना पठन पठन बंद हो गया ना किसी के कारण से, ये दुर्गति पहले जमाने में गुरुकुल में जाते थे, वेद पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, बोलते थे मुख्य मंत्री एक झाई आरोप पौराणिक उपासना नहीं था, वैदिक उपासना था, अपने व्यापक था अपनी पूर्णता को लेकर के उपासना करता, मन दूसरी प्रकार से तैयार होता था। यहाँ भी बोलते हैं श्लोक को व्यावर्तम आशंका दर्शे, श्लोक के द्वारा निराकरण करने की शंका को भगवान भाष्यकार दिखाए, आप भाष्य में आ जाइए। ठीक है, भाष्यकार क्या बोलते हैं, स्वप्नवत चित्त परिकल्पितम सर्वम इति एतत् आशंका, सर्वम चित्त परिकल्पितम, ठीक है ना, प्रतिज्ञा है सब, सर्वम चित्त परिकल्पितम कल्पितत्वात् स्वप्नवत्, ये एक लाइन में भाष्य का, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा न्याय की भाषा में चल रहा है युक्ति तर्क, उसी प्रकार से अर्थ करना है, क्या बोलता है ये प्रतिज्ञा, सर्वम चित्त परिकल्पितम कल्पितत्वात् स्वप्नवत्, ठीक है, ये आशंका, यदि सर्वम इति एतत् आशंकते, ये जो आपने कहा
आपके इस पंक्ति के ऊपर शंका उठाएगा। इस पंक्ति को आपने क्या कहा, सर्वम चित्त परिकल्पितम कल्पितत्वात् स्वप्नमत। आपका इस पंक्ति को शंका उठाए देगा। क्या शंका है बोलते हैं कि ये मतलब ये सही नहीं है, ये कहना चाहते हैं आपका ये कथन सही नहीं है। अस्मात् क्योंकि अस्मात् चित्त परिकल्पित ही मनोरथादि लक्षण ही चित्त परिच्छेद ही वैलक्षण्यम बाह्यानाम अन्योन्य परिच्छेदत्वम इति हमारे कॉमन करते हैं। दोनों में भिन्नता दिखा रहे हैं क्योंकि चित्त परिकल्पित ही चित्त के द्वारा कल्पना किया गया है जिन वस्तुओं का तृतीय भूमति चित्त परिकल्पित ही मनोरथादि लक्षण ही मनोरथ के लक्षण ऊपर चल करके उसके व्यवहार मन के द्वारा बनाया गया रथ ऊपर मतलब कल्पित वस्तु का मनोरथादि लक्षण ही और चित्त परिच्छेद ही केवल मतलब चित्र में ही परिच्छिन्न होता है उसका नहीं माने चित्त परिच्छेद ही आप क्या बोलेंगे भाव ही अथवा भेद ही कर्ता कह देगा भाव विद्यमान वस्तु का भेद भिन्नता दिखाई पड़ता भेद ही इससे इससे वैलक्षण विलक्षणता है किसका बाह्यानाम बाहरी वस्तुओं का अन्योन्य परिच्छेद्यत्म अन्योन्य परिच्छेद मतलब चित्त काल में भी अन्न अन्न परिच्छेद अन्न अन्न परिच्छेद एक अन्न परिच्छेद मतलब चित्त काल परिच्छेद और यानी क्या बहिष्काल परिच्छेद प्रत्यय के लिए अन्न अन्न परिच्छेद परिच्छेद और परिच्छेदक काल हो गया परिच्छेदक और वस्तु हो गया परिच्छेद्य यानी यहाँ पे बोलते हैं अन्न अन्न परिच्छेद्यत्म इति को एक मतलब अन्न अन्न मतलब दोनों काल में परिच्छिन्न होता दोनों काल के द्वारा परिच्छेद इसलिए क्या हो गया ये जो आपने बोला था जो सारा वस्तु चित्त कल्पित है चित्त काल में रहता है तब चित्त परिकल्पित यहाँ पर तो नहीं है बाहर वस्तु दिखाई पड़ते हैं इसलिए आपका कथन सही नहीं है मतलब सारे वस्तु मिलते कथन नहीं है इसलिए सा ना युक्ता इसलिए आपका जो ये जो प्रतिज्ञा है ना स्वप्नवत परिकल्पित ये सब ये कथन आपका सही नहीं है ना युक्ता आशंका ये जो है इसको ऊपर शंका करता है सा ना युक्ता शंका चित्त का लक्षण यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोलते हैं तथा सपने दृश्यमान सर्वे कल्पित मिथ्या एवं ईश्वर का जागृत अपनी दृष्टम सर्व चित्त स्पंदित तेन कल्पित मिथ्या एवं इति एतत् न अद्यापि निर्धारित मैं अभी तक निश्चय की अत्र हेतु जस्मा इसके हेतु क्या दिया वहाँ पे पूर्वादी जस्मा चित्त परिकल्पित मनोरथादि लक्षण चित्त परिच्छेद इससे क्या होता है विलक्षण होता है कौन बाह्यानाम अन्योन्य परिच्छेद सा न युक्ता आशंका इसलिए आपका ये कथन सही नहीं है ये हो गया शंका ठीक है। अब उसके उत्तर में टीका देखो इसके ऊपर जो है आनंदगिरि जी लिखते हैं ये स्वप्न हाँ आनंदगिरि जी क्या लिखते हैं श्लोक का व्यावर्तन संपूर्ण देख स्वप्न फिर आगे बोलते हैं देखो यथा स्वप्ने दृश्यमानम सर्वम कल्पितम मिथ्या एवं इष्यते ठीक है ना जैसे स्वप्न में दिखाई दे रहे सारे वस्तु मिथ्या ही है ये कहना हमारा अभिष्ट है ठीक है ना यथा स्वप्ने दृश्यमानम सर्वम कल्पितम स्वप्न में दिखाई देगा सारा वस्तु कल्पित है इसलिए मिथ्या ही है ये हमारा अभिश्लेष्यते तथा उसी प्रकार जागृति अभी जागृत काल में भी दृष्टम सर्वम जो भी वस्तु दिखाई पड़ते हैं चित्त स्पंदितम वो चित्त मन का स्पंदन मात्र है तेन कल्पितम उसी मन का ही कल्पना है मिथ्या है क्योंकि संस्कार जन्म के समान बैठा हुआ मिथ्या है उसको भी मिथ्या होना चाहिए इति एतत् न अद्यापि निर्धारितम ये अभी तक आपने निश्चय करके नहीं दिखा पाए इसको बड़ी शंका हो रहा है क्योंकि जागृत में दो काल है व्यवहार काल में रहता है और जब सपने वस्तु नहीं रहते इसलिए बोलते हैं तब तक अद्यापि निर्धारितम इति अत्र हेतु अभी तक जो है ये निर्धारण नहीं हुआ इसके पीछे कारण क्या है क्योंकि तस्मा चित्त परिकल्पित मनोरथादि लक्षण चित्त परिच्छेद उससे वैलक्षण है विलक्षण है किसमें बाह्यानाम अनन्य परिच्छेद बाह्य वस्तु जो होता है वो क्या होता है एक चित्त काल में भी रहता है एक बाहर काल में भी रहता है प्रत्यभिज्ञा काल में भी रहता है अन्य परिच्छेद सानायुक्त आशंका इस प्रकार की आशंका युक्त शंकर नहीं है अथवा सानायुक्त जो आपने कहा इसलिए वो सही नहीं है इस प्रकार कौन है ये बोलते हैं कि अभी तक निर्धारण नहीं हुआ यहाँ पे पाँच नंबर टिप्पणी दिखाई दे रही है पाँच नंबर टिप्पणी कहाँ पे चित्त स्पंदितम है चित्त स्पंदितम तेन कल्पितम इति चित्तेन कल्पितम चित्त स्पंदन का व्याख्या क्या है ते चित्तेन कल्पितम चित्त कल्पितम मतलब चित्त स्पंदन बाहर के लिए तो दोनों है और अंदर के लिए चित्त बाहर के वस्तु में क्या है चित्त स्पंदन भी है और बाहर प्रतीति भी होती है होता क्या है स्वप्न काल में होता क्या है पहले अपने मन ही मन जो वासना था उसको देखा मन में आया फिर उनमें से कोई वस्तु को अपने उस मनोवृत्ति को इंद्रियों के माध्यम से बाहर ला करके देख लिया
ठीक है ना, उसमें सभी को नहीं आता, पहले बोल कर आया। ठीक यहाँ भी ऐसे हमारे संस्कार से जिन जिन वस्तुओं की वासना थोड़ा तीव्र होता है उसको हम लोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर ला करके देख करके उसको गोबंद कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी व्यवहार भी ऐसे जैसे ही करते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि विचित्र स्पंदितम पाँच नंबर टिप्पण में यदि एतद व्यतिष्ठ तेन कल्पितम, चित्त के द्वारा कल्पित हुआ, तेन कल्पितम मतलब चित्ते ने कल्पितम की अर्थ चित्त के द्वारा कल्पना किया गया। अब देखिए यहाँ मीटिका का लिख रहे हैं आत्म अविद्या विवर्तेन, आत्म अविद्या विवर्तेन चित्तेन तावत् अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनसि अंतर वर्तमाना बहुती रज्जु वही 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 रज्जु सर्वादयस्य ते चित्तेन एव परिच्छेद्यन्ते। ठीक है ना, आत्म अविद्या विवर्तित, लेकिन स्वरूप के अज्ञान के फलस्वरूप विवर्तवाद है, विवर्त दिखाई पड़ते हैं। अर्थात आत्माविद्या दृष्टांत में कहते हैं रज्जु की अविद्या के कारण वही रज्जु शब्द रूप में विवर्तित हो रहा है, रज्जु के अधिष्ठान की अज्ञान के कारण वही रज्जु शब्द रूप में विवर्तित हो रहा है। आपने में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करके शब्द रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इसी प्रकार से आत्म अविद्या विवर्तेन चित्तेन, आत्मा की अविद्या से चित्त भी आत्मा के अज्ञान के कारण ही अंतकरण उसी के द्वारा दिखाई पड़ते हैं, जिसके द्वारा हम कल्पना करते हैं जो अंतकरण, अंतकरण के भी आत्मा अज्ञान के कारण ही है। इसलिए बोलते हैं आत्म अविद्या विवर्तेन चित्तेन तावत् निश्चित रूप से अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूप अंदर अंदर निर्माण किया गया अपनी मनुष्य मनोकल्पना के द्वारा जो वस्तु को मनुष्य अंतर विद्यमाना मन के अंदर रहते हुए मन मनुष्य अंतर वर्तमाना वही रज्जु सर्पादयस्य बाहर जो है क्या रज्जु रूप में सर्प रूप, ठीक है ना, दोनों रूप में वही दिखाई पड़ रहा है रज्जु सर्पादयस्य ते चित्ते व परिचित्तंते। उसमें आप बोलेंगे कि उसमें तो सर्प तो मिथ्या आपको समझ में आ जाता है, रज्जु तो आपको कुछ दिन दिखाई पड़ते हैं, रज्जु भी तो दो चार महीने बाद फट जाएगा टूट जाएगा, कहाँ से बुझुकता नहीं, आपने रख दिया कि बाद में उपयोग में आएगा, दो चीज़ होगा या तो भूल ही जाएंगे और उसका पुराना वस्तु आपने निकाला जो आप एक बार खींचा तो देखा फिर प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, इसलिए वो रज्जु नहीं है, ये सड़ा हुआ रज्जु है, बाजार से नया रज्जु खरीद के लाए थे कुछ दिन बच्चा किसी को रज्जु नहीं है, ये परिवर्तन तो ही रहा। इसलिए बोलते हैं आत्म अविद्या विवर्तेन चित्तेन तावत् अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनुष्य अंतर वर्तमान वही रज्जु सर्पादय ते चित्ते ने वह परिच्छिन्नते, वो चित्त के द्वारा कल्पना किया जाता है उसी के द्वारा परिच्छिन्नित होता है। ते ही कल्पना काल मात्र भावी न प्रमीयते, वो केवल मात्र कल्पना काल मात्र से देखा जाता है, उसको प्रमाण के द्वारा नहीं देना प्रमीयता बोले क्यों, हम तो रज्जु का अपना प्रमाण के द्वारा देखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है वो क्या होता है, क्योंकि आपने अपने ऊपर प्रमात्रित्व और प्रमाण को आरोप करके फिर आप प्रमेय वस्तु को देख कर आप सोचते हैं कि हम तो अपने आप से अपने आँख से देखा ही सकते हैं, उन शास्त्र वैसे भी मिथ्या होते हैं। यहाँ पे देखिए छः नंबर और सात नंबर टिप्पणी आ रहा है यहाँ पे आत्म अविद्या विवर्तन, यहाँ पे विवर्तन है अभी आत्म अविद्या का परिणाम है, आत्म अज्ञान के फलस्वरूप ही होता है, यहाँ परिणाम मतलब आत्मा परिणत होगा ये नहीं है, परंतु अज्ञान की जो है कारण से ही दिखाई पड़ते कारण अर्थों में यहाँ पे परिणाम शब्द है विवर्तेन परिणाम चित्ते पूर्व आत्मना एव कल्पकत्न मुक्तम कल्पयति आत्मना आत्मना मित्र, ठीक है ना, आपने क्या बोला कल्पना कौन किया था, आत्मा किया था, अरे यहाँ पे बोलते हैं चित्त, अरे चित्त मतलब वो तो मतलब आत्मा कल्पना किया किसके सारे कल्पना किया वो जन्मांतर संस्कार के कारण संस्कार कहाँ रहता है चित्त भी, इसलिए बोलते हैं चित्ते न ननु पूर्वम आत्मना एव कल्पकत्व मुक्तम, कल्पना करने वाला आत्मा ऐसा आपने कहा क्योंकि कल्पयति आत्मना आत्मनमिति यह पुनश्चित्तस्य तदुच्यते, यहाँ पे कल्पना कौन क्या बोल रहे हैं चित्त को बोल रहे हैं इति पूर्वापर विरोध इति अपनेतु, इसलिए कोई शब्द है कि जो पूर्वापर तो विरोध हो रहा है आपके कथन सही नहीं, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, पहले बोला आत्मा कल्पना किया अब क्या बोलता चित्त कल्पना शुद्ध आत्मा तो कुछ नहीं करता कल्पित चित्त के द्वारा एक चित्त कल्पना करता रहता है, इसलिए इति अपनेतु आशंका आत्म अविद्या शंका को निराकरण करने आत्म अविद्या विवर्तित, मिश्र में कई बार पहले बोल करते हैं हमारे पास दो वस्तु नहीं है माया नामक कोई वस्तु नहीं है, ये आत्मा के ज्ञान ही मुक्ति के हेतु और आत्मा की अज्ञानी माया और वही सृष्टि बंधन है, आत्म अविद्या ही जो है
ब्रह्म संबंधित अविद्या ही जो है हमारी सृष्टि के लिए हेतु होते हैं। और उसी का क्या जिस प्रकार दृष्टांत क्या दिया था, सूर्य ही छाया के लिए भी हेतु है, प्रकाश के लिए भी हेतु है। आप पीछे करके देखेंगे छाया दिखाई देगा, सूर्य की तरफ दिखेंगे प्रकाश दिखाई देगा। इसी प्रकार आत्म अभिमुख होकर के देखेंगे आत्मा दिखाई देगा, आत्मा से मुख घुमा करके आत्मनिष्ठ नहीं है जगत दिखाई देगा, जगत दिखाई देगा। इसे आत्मा ही ज्ञान रूप से मुक्त है और अज्ञान रूप से बंधन कह लेते हैं। इसीलिए हमें बोलते हैं पूर्वा पर प्रेरित अपने तो आशंकन माया नमक कोई अलग वस्तु, ठीक है शब्द माया हुआ अलग कोई वस्तु, हम यहाँ अद्वैतवादी है तो अद्वैत सिद्धांत के पकड़ के चलेंगे। अपने तुम आशंका आत्म अविद्या विवर्तितम, मतलब चित्त विशेषण में, चित्त का विशेषण है आत्मा। देखिए माने अंतकरण तक आत्मा में कल्पित है, अंतकरण तक आत्मा में अहंकार भी आत्मा में कल्पित है, अंतकरण आत्मा में कल्पित है। इसीलिए तो अंतकरण शांत होने पर जब उसके वृत्ति बंध हो जाते कहाँ लय प्राप्त करते हैं, अधिष्ठान आत्मा में जाते हैं। कल्पित हो सकते आशंका आत्मा अविद्या विवर्तितम चित्त विशेषण तथा च परंपरा तस्वीर परिहार। इसलिए क्या हो जाएगा, परंपरा से आत्मा चित्त का सहारा लेकर के वही कल्पना करते हैं। जड़ वस्तु का भी अकेला कुछ नहीं कर सकते, अंतकरण जड़ है कि चेतन है, क्या बोलेंगे अंतकरण जड़ है। फिलहाल में बताया था कि तन्मात्राओं की समस्त शक्ति का निश्चित अंतकरण बना हुआ है, तन्मात्रा भूत वस्तु जड़ होते हैं, इसलिए परंतु उसके अंदर चेतन के सान्निध्य में उसमें चेतनता की प्रतीति होती है। वो और कितना स्पष्ट है, जैसे देखिए इस दीवारों में भी रिफ्लेक्शन होता है और शीशे में भी रिफ्लेक्शन होता है, परंतु दीवार की रिफ्लेक्शन समझ में नया नया पेंट करते रहो दीवार में आपको समझ में आ जाए, और शीशे में क्या स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार ये पूरा कार्यकरण संघात में अंतकरण में थोड़ा सचेत होने का वहाँ पर प्रतीति में स्पष्ट समझ में आए, बाकी पूरा शरीर में लगते हुए पूरा शरीर में वहाँ पर मैं ये नहीं प्रतिफलित नहीं स्पष्ट नहीं होता। अंतकरण का अंदर चित्त मन बुद्धि अहंकार चार अति चित्त अहंकार चार एक वृत्ति को लेकर के अंतकरण की वृत्ति को लेकर के चार क्रिया को लेकर के अलग नाम दिया गया है एक ही उसको पहला वाला होगा। अजम अपि योनि योगम प्रापदैश्वर्य योगार ब्रह्म